हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यू वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू रिवर्स टेक्स स्ट्रिंग्स इन एक्सेल यूजिंग फार्मूला। हम फार्मूले के थ्रू जो है किसी भी टेक्स को रिवर्स ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इज इक्वल टू लगाना है और उसके बाद आपने फंक्शन टेक्स जॉइंस यूज़ करना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, देन आपने डबल कोट लगाना है और उसके बाद फिर आपने कॉमा लगा के वन लिख के आपने मिड फंक्शन यूज़ करना है। देन आपने अगेन ब्रैकेट ओपन करनी है और देन सेलेक्ट द सेल्स, आपने सेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद आपने करली ब्रैकेट ओपन करनी है और यहाँ पर आपने नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। देन उसके बाद आपने कॉमा लगा के वन और उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाकर फार्मूला क्लोज कर देना है और उसके बाद सिंपल आपने एंटर करना है। तो यहाँ पर देखें, आपका यहाँ पर जो नेम था ए बी सी डी, यहाँ पर वो रिवर्स हो के डी सी बी ए हो गया है। तो सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग डाउन करके आप नीचे ले जाएं और यहाँ पर देखें, अब आपका इस कॉलम में जितने भी नेम थे वो सारे आपके इधर आपके टेक्स्ट थे या वैल्यूज़ थी, वो सारी आपकी यहाँ पर रिवर्स हो चुकी हैं। तो आई होप आपको इस फार्मूले से काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी सिचुएशन में ये फार्मूला हमें हेल्पफुल करता है। तो आई होप आपने आज सीखा होगा हाउ टू रिवर्स टेक्स्ट स्ट्रिंग इन एक्सेल विद यूजिंग फार्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।